नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित। बेसहारा घायल गौवंश का उपचार कर मनाया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ ने आत्महत्या से बचने को लेकर किया जागरूक। निजी अस्पताल में चिकित्सक व स्टाफ की लापरवाही के कारण सेना के जवान की बाथरूम में हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं का परीक्षा परिणाम लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले 15 या 16 मई को घोषित कर दिया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. वीपी यादव ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि अब की बार 10वीं कक्षा का परिणाम अब तक के परिणामों के औसत से 25 से 30% तक अधिक आने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के मूल्यांकन प्रणाली में CBSE के पैटर्न को अपनाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम 85.31% रहा, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परिणाम लगभग 82%, जबकि छात्राओं का परिणाम 88% के आसपास रहा। इस तरह से छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इसी कड़ी में 10वीं कक्षा का परिणाम 15 या 16 मई तक घोषित कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा का परिणाम केवल 27 दिन में ही घोषित कर दिया गया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा अपर स्कूल और रीअपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज का, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 213,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 182,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है, और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राज्य के विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावर, तो मैं कहूँगा इसमें जिला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूह जिला है। 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 44 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमें सेकेंडरी का रिजल्ट दिया, 2023 में 52 दिन में दिया था, और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया है। तो ये हमारे आंकड़े हैं इस मामले में। ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहा है, बहुत सारे टीचर्स की, BLOs की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे,
जो समय होता है उससे पहले जारी होगा। ये नहीं, देखिए हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूँ कि 15 मई से पहले पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर देंगे। सर, आप जो परिणाम घोषित में रिजल्ट कितने बच्चों का वेटिंग है या सभी? देखिए ऑन एन एवरेज जितना हमारा रिजल्ट होता है, मान लीजिए कुछ रिजल्ट है आरएलई होते हैं ड्यू टू एलिजिबिलिटी है, कोई अवार्ड्स की वजह से है, तो अगर देखा जाए तो हमारा 300-800-500 बच्चों का इस तरह का रिजल्ट, लाखों में जब बच्चे कैंडिडेट हैं तो 400-500 का रिजल्ट तो हमेशा इस तरह से रुक जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटाज आते हैं, एक्सप्लेनेशंस आते हैं, तो उसके तुरंत विद इन 3-4 डेज या वीक में हम उनका रिजल्ट दे देते हैं। सर, ऐसी सूचना है कि रिजल्ट जो है अभी तक एग्जाम उनके मार्किंग जो है हुई नहीं, पर फिर भी बोर्ड ने जल्दी में इस परिणाम को घोषित किया, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं तो वो बच्चे उनके साथ परिणाम बनना आने से अपने आप को फैल या अलग तरीके समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सूचना है आपकी, इसका कोई आधार नहीं मैं कह सकता हूँ। और रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से कंपाइल किया है, एक एक बच्चे पे नज़र रही है। इतना ही नहीं, हमने इवन जो पहले बहुत सारे केसेस अनफेयर मींस के होते थे जिनको हम रोक लेते थे, इस बार हमने अनफेयर मींस के केसेस को भी एक एक को बैठकर तुरंत सुलझाया है, और जो बच्चे एग्जाम किए गए थे उनकी आंसर शीट हमने तुरंत चेक की है, और एक रिजल्ट को हमने कई कई बार वेरीफाई भी किया है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आलन फानन में कैंडिडेट थे उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही, और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5672 परीक्षार्थी बैठे थे जिनमें 3705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे, इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कॉम्पिटिशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। जी, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी 2 अप्रैल को, उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और 75 परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूँ तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को तो 2022 में ये 3551 केस थे, और 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया जिसमें 1741 केस थे, और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से। भिवानी में बेसहारा घायल गोवंश का उपचार कर पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार पशु चिकित्सा दिवस की थीम पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहा। इस दौरान जिले के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशुओं को एंटी रेबीज की वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई। वहीं डॉक्टर विजय संसनवाल ने कहा कि हमें पशुओं का ध्यान भी इंसानों की तरह ही रखना चाहिए। विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर बार अलग थीम के साथ मनाया जाता है।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत के अनुसार विभाग द्वारा ज़िले भर में यह दिवस मनाया गया। इस दौरान ज़िले के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशुओं को एंटी रेबीज़ की वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई। इसके अलावा सेमिनार्स का आयोजन भी किया गया तथा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को पशुओं से प्यार करने, उनकी उचित देखभाल करने की अपील के साथ साथ पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां व उनसे बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर महम रोड स्थित गौशाला में बेसहारा घायल गोवंश का उपचार करके यह अभियान चलाया। पशुपालन विभाग पूरे देश में या दुनिया में इस वर्ल्ड वेटनरी डे को मना रहा है। वर्ल्ड वेटनरी डे अप्रैल के अंतिम शनिवार के दिन मनाया जाता है और इसका हर बार अलग अलग थीम होता है। इस वर्ष का वर्ल्ड वेटनरी डे के ऊपर थीम है वेटनेंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। पशु चिकित्सा से संबंधित जितने कर्मचारी अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं वो बेसहारा और बेजुबान पशुओं का इलाज करते हैं। पशुपालन विभाग बिना किसी समय का इंतज़ार किए जो पशु बीमार होता है तुरंत उपचार की कोशिश करता है और पशुओं से बहुत सी बीमारी इंसानों में भी फैलती हैं, इसलिए पशु चिकित्सक का रोल एक ह्यूमन डॉक्टर से किसी भी दिशा में कम नहीं बल्कि देखा जाए तो ज़्यादा ही है। एक तो मूक पशु का इलाज करता है, दूसरा जो बीमारी पशुओं से इंसानों में फैलती है उसे रोकने में मदद करता है। डॉक्टर विजय सनसनवाल की टीम ने यहाँ बेसहारा गोवंश को मरहम पट्टी करवा के सेवा दी है। और वैसे तो बेसहारा गोवंश की पशुपालन विभाग सेवाएँ देता रहता है और इस विशेष दिन पर सभी पशु चिकित्सा से जुड़े डॉक्टरों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। दिन प्रतिदिन क्षेत्र व आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अत्यधिक देखने को मिल रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 13,000 बच्चों ने आत्महत्या की थी। इसी को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जांगड़ा ने आत्महत्या के मुख्य कारणों व इलाज के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। वह कहा कि बच्चों की पेरेंटिंग इस प्रकार से की जाए जिससे बच्चे अपनी भावनाओं को खुलकर अभिभावकों के साथ शेयर कर सके। समाज में आए दिन देखे जा रहे छोटे छोटे बच्चों व बुजुर्गों द्वारा मानसिक परेशानी से परेशान होकर उठाए गए कदम से व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है। आजकल जिले में आत्महत्या के मामले अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं की पहचान व बचाव के लिए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जांगड़ा ने कहा कि छोटे बच्चों में आजकल नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसके कारण डिप्रेशन में आकर बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में फेल हो जाने का दबाव, पारिवारिक दबाव, उम्मीदों को टूटने का दबाव, नशे की प्रवृत्ति, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन, रिलेशनशिप टूटना इत्यादि के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब परिवारों को बच्चों से बातचीत करनी होगी, देखना होगा कि बच्चे कितना दबाव झेल पाते हैं व समाज से उनका जुड़ाव करना होगा जिससे इस तरह के मामले कम से कम हो सकें। आजकल ये देखा जा रहा है कि पढ़ने वाले बच्चों में, विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई केस कोटा में, सीकर में या आसपास के स्थानों में मिलता है जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की है या आत्महत्या कर ली गई है। अब तक का जो आंकड़ा है, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से लगभग 13,000 बच्चों ने आत्महत्याएं 2023 में की हैं, जिसमें से 2,000 बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से जिन्होंने आत्महत्या की है। इस प्रकार इस बारे में सोचना, समझना और जागरूक हो जाना अब हर व्यक्ति का दायित्व बन जाता है। अब इस बारे में जानते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इस प्रकार बच्चे जो है आत्महत्याओं की तरफ अपनी प्रवृत्ति को लिए हुए चल रहे हैं। उसमें से अगर बात करें तो मेन कारण जो है, जो मैंने बताया कि 2,000 बच्चों ने एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से आत्महत्या की, इसके साथ नंबर एक पे बात करें तो परिवार का जो प्रेशर है इसकी वजह से बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते हैं कि इतना पैसा जो है पेरेंट्स ने लगा दिया है उसके बदले हम रिजल्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में आकर भी आत्महत्या जैसा संगीन अपराध, संगीन काम करते हैं।
इसके अलावा सेल्फ एक्सपेक्टेशन, अगर नंबर दो की बात करें तो खुद की उम्मीदें भी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं कि जब उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं तो बच्चे जो है इस कदम की तरफ चलते हैं। नंबर तीन पे बात करें तो नशा, जब बच्चे घर से अलग रहते हैं, संस्थाओं में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो नशे की प्रवृत्ति बन जाती है, और नशा जब पूरा नहीं हो पाता है, जब उतने पैसे जेब में नहीं होते हैं या किसी कारण से और कोई झमेला जब गले में पड़ता है तो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। इसमें अगर चौथे नंबर पर बात करें तो मेंटल हेल्थ, अगर बच्चे को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है विद्यार्थी को, और समय पर इलाज नहीं करवाया जा रहा है तो डिप्रेशन में दुखी होने की वजह से भी बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। नंबर पाँच पे मैं कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप, किशोरावस्था में, युवावस्था में अपोजिट अट्रैक्शन सामान्य है, लेकिन जब कोई ब्रेकअप होता है या कोई साथी छोड़ के चला जाता है तो जाने अनजाने में मैच्योर न होने की वजह से विद्यार्थी ऐसा कदम उठाते हैं। और कई बार नंबर छः पे मैं कहूँगा कि जो बच्चे गलत जो है कोर्स चुन लेते हैं, जैसी कॉम्पिटेंसी, जैसी क्षमता उनकी नहीं होती है, प्रेशर में आके देखा देखी में कोई कोर्स ले लेते हैं लेकिन कोर्स पूरा कर नहीं पाते हैं, तब उन्हें लगता है और स्ट्रेस की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं। और कई बार देखा गया है कि सात नंबर पे हम कहें कि कई बार समाज का जो प्रेशर है या उसे लगता है कि अगर मैं जहाँ पढ़ने गया हूँ वो कोर्स पूरा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली तो समाज में मैं क्या मुँह दिखाऊँगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, इससे भी आहत हो कि बच्चा ऐसा करता है। अगर बच्चों को इस प्रकार की चीज़ों से बचाना है तो हमें बच्चों से बात करनी होगी, हमें एक दोस्त की तरह से बच्चों से बात करनी होगी, एक ऐसी पेरेंटिंग करनी होगी जहां बच्चे खुल के अपनी बात पेरेंट्स के सामने रख सकें, वो हर एक भावना को, हर एक फीलिंग को शेयर कर सकें, और बच्चे भी जो है पेरेंट्स को समझें और पेरेंट्स भी बच्चों की जो है क्षमताओं को समझें, उनकी कॉम्पिटेंसीज को समझें कि वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं या उनकी योग्यता कितनी है। इस प्रकार समय समय पर काउंसलिंग भी करवाएं, और अगर कोई मानसिक समस्या। भिवानी के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक व स्टाफ की लापरवाही के कारण दिनोद गांव के हार्ट पेशेंट सेना के जवान की अस्पताल के बाथरूम में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वह चिकित्सक के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। गांव दिनोद निवासी एक युवक की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे हांसी गेट के निकट स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। मरीज को आईसीयू में रखा गया। वहीं बताया गया कि मरीज बेड से उठकर बाथरूम में गया था, लेकिन कुछ समय तक बाथरूम में न आने पर और स्टाफ को बेड पर न मिलने पर जब उन्हें ढूंढा तो बाथरूम की कुंडी अंदर से बंद मिली। दरवाज़ा तोड़ने पर मरीज अचेत अवस्था में मिला। चिकित्सक व स्टाफ मरीज को आईसीयू में लेकर आए। काफ़ी प्रयासों के बाद भी मरीज होश में नहीं आया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में आकर हंगामा किया व चिकित्सक व स्टाफ पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलने पर सिविल थाना प्रभारी, राजपाल, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के मामले में जानकारी ली। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने लिखित शिकायत कर पुलिस को शिकायत दी और चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। हमारा लड़का एडमिट करवाया यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि भी हार्ट में जो है ब्लॉकेज है, अटैक नहीं है, अभी इन्होंने बोले हमने कार्डियोग्राफी कर दी, तो हमने इन्हीं की बात मान ली और एडमिट करवा दिया। हम बोले भाई ज़्यादा सीरियस है ना, तो हम अपने बच्चे ने कहीं और ले जावा, बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है। बीच में भी हमने इसको कहा अगर भी हम अपने बच्चे ने कहीं और ले जावा, आपके बस की बात नहीं हो तो अच्छे डॉक्टर ने बुला लिया और क्लीन कर लो, हमारी एक नहीं मानी। और बीच में जो है बाथरूम के लिए गया तो इन्होंने संभाला नहीं हमारे बच्चे को, 10 मिनट तक हमारा बच्चा जो है बाथरूम में पड़ा रहा और ना हमें जाने दिया, ना हमें इन्फॉर्म किया कि आपका बच्चा जो है बाथरूम में गया है तो आप उसको संभाल लो, हमें बाहर निकाल दिया और जो है बाथरूम में पड़ा पड़ा वहीं हो गया। कितनी उम्र थी सर, क्या नाम था? क्या विजय नाम था, आर्मी में था, छुट्टी आया हुआ था और 28 साल का था, शादीशुदा है, एक लड़की है दो साल की। तो अभी क्या कार्रवाई करते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे न्याय मिले, हम कोई तेल किसी का नहीं निकालना चाहते, लेकिन इन डॉक्टर्स को और स्टाफ को जो है न्याय वो मतलब सबक मिले कि और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करें। और अब एक खबर चलते चलते
चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर 10 वाहनों से अधिक वाहन चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही रोड शो में पशु और स्कूली वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के समय रैलियों व रोड शो में आम आदमी को असुविधा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। दोपहिया वाहन के उपयोग भी नियमानुसार करना होगा और एक बाइक पर 1 से 1.5 फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की ही अनुमति रहेगी। रोड शो के दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वाहनों और मंचों पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित। बेसहारा घायल गोवंश का उपचार कर मनाया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ ने आत्महत्या से बचने को लेकर किया जागरूक। निजी अस्पताल में चिकित्सक व स्टाफ की लापरवाही के कारण सेना के जवान की बाथरूम में हुई मौत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के।